नमस्कार जय हिंद दोस्तों। और बच्चे तो भाई मन के बच्चे ही बहुत परेशान हैं कि एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आ गया है, अब एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको लेकर के दिन भर परेशान हैं। आपकी चिंता जायज भी है, हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी उसी उम्र के पड़ाव से निकले हैं। तो चलिए देखिए, मैंने कुछ पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि आप लोग परेशान ना होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। जैसे ही इसका कट ऑफ आता है आपको सारी प्रोसेस समझाई जाएंगी। तो मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है कॉल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, रात में भी कॉल कर देते हैं कि सर क्या होगा कि नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, इसमें जो आप लोगों को रैंक डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा जनरल वाइज, फिर उसमें सब रैंक दिया गया होगा, थ्योरी में मार्क्स दिया गया होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, रैंक नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को मार्क्स बता देता हूं कि कितना मार्क्स से अगर आपका ऊपर है तो आसानी से आपका बिल्कुल 100% 100% आप लोगों का एडमिशन होगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे क्लास जो 9 है इसमें 106 क्या है सीट है, 106 सीट है। बस समझ में आ रहा ना? तो जो सीट है, जितना सीट है उतना ही एडमिशन लेगा, ये तो फिक्स है। तो 106 सीट है, तो जिसका भी जनरल रैंक जो होगा 9th क्लास का 106 रैंक तक आया होगा उसका तो एडमिशन कंफर्म है, बिल्कुल 100% कंफर्म है। लेकिन इसमें हम लोग 20 प्लस कर लेते हैं और क्यों मैं प्लस कर रहा हूं ये आपको बता देता हूं। 126 रैंक तक मान लेते हैं, ठीक है। मैंने इसमें 20 प्लस किया है क्योंकि जब काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग का डेट मैंने बता रखा है कि आपका काउंसलिंग कब होगा, वो वीडियो जो है आप लोगों के चैनल पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा। तो जब काउंसलिंग होती है तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ज्यादातर जो दूर दराज के हो जाते हैं, तो किसी कारणवश इसमें काउंसलिंग में नहीं आ पाते हैं या एडमिशन कहीं और ले चुके होते हैं। बात समझ में आ रहा? तो हो सकता है कि 106 में से 20 लोग नहीं है, तो 20 लोग आगे बढ़ा करके 126 तक ये एडमिशन ले सकते हैं। बस समझ में आ गया? बाकी किसी कंडीशन में अगर सीट खाली रह भी जाता है तो मैंने बताया था कि आप लोगों का सेकेंड लिस्ट जो है जारी करेगा, उसकी डेट भी मैंने बताया था कि सेकेंड लिस्ट जो होगा इसमें आएगा वेटिंग लिस्ट। अब देखिए ये क्लास 10th का जो मैथ ग्रुप है इसमें 105 सीट है, तो 105 है इसमें भी आप प्लस 20 कर लीजिए, यानी कि 125 रैंक तक मैथ्स ग्रुप वालों का एडमिशन कंफर्म 125 तक, क्योंकि ये हर साल हर वर्ष ऐसा ही होता है, तो बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। तो जिनका भाई रैंक अच्छा आया हुआ है वो छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें हम लोग 10 ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम झंडा लहरा देना है जी, निकला है तो छोड़ेंगे क्या है, इसलिए इसमें हम लोग 10-10 जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें सीटों की संख्या ज्यादा नहीं है। बात समझ में आ रहा? यानी कि ये जो मैंने रैंक बताया है उतना रैंक तक एडमिशन कंफर्म है। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है इस रैंक के अलावा, तो जिसका भी कम से कम 80% आपका थ्योरी मार्क्स आया है, थ्योरी मार्क्स जिसका भी 80% 80% मतलब क्या, 240 नंबर इन थ्योरी If you have to get, okay? तो आपका 240 मार्क्स या इससे ऊपर जिसका भी आया है उसका एडमिशन जो है 100% कंफर्म है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 240 से ऊपर 80% 85% आया हो, 82% आया हो, इस प्रकार से करके। तो ज्यादा आप लोग परेशान न होइए क्योंकि CHS का जो नोटिस आया था उसमें बोला था कि भाई हम 15 जून के बाद आप लोगों के लिए कट ऑफ जारी करेंगे कि हम कितना रैंक तक बच्चों का काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ बनाने में किसी भी एग्जाम का थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बात का भी ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम का। तो आप लोग ज्यादा परेशान न होइए। बाकी अपकमिंग ईयर्स के लिए 2024 के लिए हमारे यहाँ बैचेस इसकी स्टार्ट हो गई है, वो चाहे CHS के किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी क्लास से हो, इसके अलावा नवोदय विद्यालय के हो, या इसके अलावा जो है आपका सैनिक विद्यालय के हो, सैनिक स्कूल, RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी स्कूल, तो इन सभी को ध्यान रखते हुए हमारी कोर्सेज जो है इसकी स्टार्ट कर दी गई है विद इन मिनिमम फी। तो आप हमारा एप्लीकेशन जो है
डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ज्यादा आप लोग देखिए परेशान मत होइए, एकदम बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप लोग संयम रखिए, 15 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा।